वेलकम स्टूडेंट्स, आईओ के अंदर अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस का मतलब यह है कि इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसफरिंग के लिए, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस। एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस जो होते हैं उनके अंदर इतना दिमाग होता नहीं है, जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब जो होते हैं आईओ डिवाइसेस होते हैं, एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस जो कि बाहरी तौर पर लगाए जाते हैं। और इंटरनल स्टोरेज मतलब मेन मेमोरी। तो कहने का मतलब ये है कि पेरिफेरल्स जो है वो यूज करे जाते हैं उनको, मतलब पेरिफेरल जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर से, और उनको स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक चाहिए रहता है फॉर इंटरफेसिंग विद द सीपीयू। सीपीयू किसी को नहीं जानता, ना कीबोर्ड को जानता है, ना माउस को जानता है, ना किसी आइटम को जानता है, वो तो सिर्फ उनके पेरिफेरल्स को जानता है और उन पेरिफेरल्स के जरिए ही क्या करता है वो उनसे कम्युनिकेट कर पाता है। मतलब अगर आप कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हो तो वो जब इंस्ट्रक्शन जाता है सीपीयू तक तो वो पेरिफेरल के थ्रू आता है, और पेरिफेरल अगर डिवाइस नहीं होगी। अब पेरिफेरल में ऐसा है कि भाई आपने जैसे कीबोर्ड यूज कर रखा है, माउस यूज कर रखा है यूएसबी वाला, तो जो यूएसबी जो है ना यूनिवर्सल सीरियल बस, वो बेसिकली आपका काम कर रही है। आप जब भी कोई की स्ट्राइक करते हो, जब कीबोर्ड में डालते हो या माउस से आप कुछ क्लिक करते हो, तो एक्चुअल में वो पेरिफेरल जो है वो इंस्ट्रक्शन लेके जाती है आपकी प्रोसेसर तक। तो सही मायनों में कम्युनिकेशन लिंक का जो मेन पर्पस है वो रिजॉल्व करना है डिफरेंसेस को, और डिफरेंसेस कैसे, डिफरेंसेस कंप्यूटर का जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसका और पेरिफेरल के बीच का। अब इन दोनों के बीच में जो पेरिफेरल के, मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे आपने नया प्रिंटर लेके आए, माउस लेके आए, कीबोर्ड लेके आए, वो सीपीयू से डिफरेंसेस में क्या है, उनके बीच में फर्क क्या है। फर्क ये है कि पेरिफेरल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, लेकिन आपका सीपीयू, मेन मेमोरी, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सबसे पहले तो फंडा क्या आएगा, सिग्नल वैल्यूज को कन्वर्जन करने का, मतलब जो भी सिग्नल यहाँ से जा रहा है वो वहां पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। भाई कैसे पहुंचेगा, एक रशियन बोल रहा है और एक जर्मन बोल रहा है, तो आपको दोनों को एक किसी एक जगह पर तो लाके करना पड़ेगा ना, उनका मुआयदा एमओयू करवाना पड़ेगा। दूसरा जो सीपीयू होता है या अंदर के जो डिवाइसेस होती है ना कंप्यूटर के अंदर जो लगी है, उनकी रेट बहुत अच्छा होता है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो बाहर डिवाइसेस लगी है उनका डेटा रेट इतना अच्छा नहीं होता, वो यूजुअली स्लोअर होती है। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उनके अंदर क्या होता है कि डेटा रेट जो होता है वो काफी स्लो होता है, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की यहाँ बहुत तेज आवश्यकता है, बहुत जल्दी चाहिए आपको ऐसा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसीजर या मैकेनिज्म। फिर उसके बाद डेटा कोड्स और फॉर्मेट जो होते हैं पेरिफेरल के, वो अलग होते हैं, वो किसी भी अलग वर्ड फॉर्मेट में होते हैं, और वहाँ पे सीपीयू का और उसका डेटा का और कोड्स का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। बल्कि सीपीयू का तो एक तरह से देखा जाए तो 0-1 का ही फॉर्मेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मोड जो होते हैं पेरिफेरल के, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हर अगर ये ऐसा भी नहीं है कि पेरिफेरल आपस में भी भाई भाई हो, वो पेरिफेरल के बीच में भी आपस में भी लड़ाई है। तो यहाँ पे क्या है कि अब सीपीयू को तो सबकी सुननी है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, या प्लॉटर हो, चाहे मॉनिटर हो, या एलसीडी स्क्रीन हो, सीपीयू को तो सबको तवज्जो देनी है, और सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबके ऑपरेटिंग मोड्स अलग अलग हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक पेरिफेरल दूसरे पेरिफेरल से उलझे ना, मतलब ऑपरेशंस जो है वो एक दूसरे के डिस्टर्ब ना करें और कनेक्टेड रहे वो सीपीयू से। तो ये कुछ प्रॉब्लम है चार जिनको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है, और इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरफेस जो हमारा ही टॉपिक है। ये डिफरेंसेस जो कंप्यूटर और के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं, तो वहां पे स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत है बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल, तो वो जो कि सिंक्रोनाइज कर सके, सारे इनपुट आउटपुट को ले सके, दे सके, वो सारे काम कर सके। तो दीज कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स को कहते हैं इंटरफेस यूनिट्स। ये इंटरफेस जो होते हैं वो प्रोसेसर बस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में होते हैं। प्रोसेसर बस जो होती है, प्रोसेसर बस के अंदर ही वो डेटा रखा जाता है जो कि प्रोसेसर तक पहुंचता है। मतलब प्रोसेसर से बात करनी है तो आपको प्रोसेसर बस तक पहुंचना पड़ेगा। अब आईओ बस या फिर इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है वो डिफाइन करता है टिपिकली एक लिंक को, जो कि लिंक होता है प्रोसेसर और बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। पेरिफेरल्स जितने भी सारे हैं उन सबको पेरिफेरल्स बोलो या पेरिफेरल डिवाइस बोलो, बात एक ही है। आईओ बस जो होती है उसके अंदर तीन तरह की लाइंस होती है। आप एक डायग्राम के अंदर समझ रहे होंगे, यहाँ पे आईओ के अंदर ये तीन तरह की आपकी लाइंस दिख रही होंगी, एक होगी डेटा की, एक होगी एड्रेस की, एक होगी कंट्रोल की। तो कुल मिला के आप देखें कि आपके आईओ बस के अंदर डेटा, एड्रेस और कंट्रोल की लाइन है। आईओ बस फ्रॉम द प्रोसेसर जो है वो सारे की सारी पेरिफेरल से कनेक्टेड है। डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि आईओ बस जो है वो सारे की सारी पेरिफेरल से कनेक्ट होती हुई जा रही है, और उधर उसकी डेटा की इसकी डेटा से, उसकी एड्रेस की इसकी एड्रेस से, उसकी कंट्रोल की इसकी कंट्रोल से, हर एक पेरिफेरल जो है सीपीयू के साथ अपनी अपनी तरह से जुड़ा हुआ है। एड्रेस की एड्रेस से कपलिंग, डेटा की डेटा से कपलिंग, और कंट्रोल की कंट्रोल से कपलिंग। अब मान लीजिए कि कोई कम्युनिकेशन होना है किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस का, तो प्रोसेसर क्या करता है,
कि प्लेस करता है उस डिवाइस को एड्रेस लाइन पे, मैं पहले तुम लाइन पे आओ तब अपन बात करते हैं। जब भी कोई डिवाइस मतलब चालू होती है, कोई आईओ डिवाइस चालू होकर काम करती है, तो हमेशा सीपीयू के हाथ में पूरा चार्ज रहता है कि किसको बोलने का मौका दिया जाए और किसको सुनने का बताया जाए। अगर सीपीयू ने कुछ बोला है, विच मीन्स एक आउटपुट ऑपरेशन है, सीपीयू को सुन रहा है, इसका मतलब एक इनपुट ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेमोरी से इन होना, मेमोरी में जाना को इनपुट ऑपरेशन बोला जाता है, मेमोरी से कोई डेटा बाहर निकल रहा है विच मीन्स वो आउटपुट ऑपरेशन रहता है। तो एक इंटरफेस जो डिकोड करेगा एड्रेस और कंट्रोल को, जितने भी एड्रेस कंट्रोल होंगे आईओ बस के अंदर, वो इंटरप्रेट करेंगे पेरिफेरल के थ्रू। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर कि लाइंस तो सारी बनी हुई है, लेकिन वो सारी की सारी लाइंस जो है वो पेरिफेरल की कैसी बनी हुई है, इंटरफेस के जरिए बनी हुई है, बिना इंटरफेस के काम होगा ही नहीं। मतलब इंटरफेस एक बीच में वो एजेंसी है जो कि इधर की बात सुनेगी और उधर बताएगी। अब देखिए यहाँ पे डेटा का फ्लो को सिंक्रोनाइज करना और साथ ही साथ ये सुपरवाइज करना कि पेरिफेरल प्रोसेस सही है। पेरिफेरल उनके पास अपने खुद के कंट्रोल्स अलग होते हैं, कंट्रोलर्स अलग होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटर का एग्जांपल लूँ, अब प्रिंटर को देखोगे अगर आप, तो प्रिंटर का कंट्रोलर के अंदर पेपर मोशन आता है, पेपर की प्रिंट टाइमिंग आती है, तो वहां पे उनके लिए अपने खुद के आईओ कमांड्स हैं। आईओ कमांड्स के अंदर जो सबसे पहला कमांड आता है वो आता है कंट्रोल कमांड। कंट्रोल कमांड बेसिकली क्या होता है, ये एक्टिवेट किया जाता है पेरिफेरल को एक्टिवेट करने के लिए, कंट्रोल किया जाता है कि उसको करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आयो बस ने कमांड दिया कि कंट्रोल कमांड, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कंट्रोल पी दबाया, जैसे कंट्रोल पी दबाया मतलब आई वांट टू प्रिंट माय पेज। अब मैंने कंट्रोल पी दबाया तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास वाया कीबोर्ड, उससे एक्टिवेट क्या होगा, प्रिंटर, प्रिंटर से प्रिंट निकलना चालू हो जाएगा। तो आप समझे जरा बात को कि आयो कमांड जो है वो कैसी है कि इनपुट और आउटपुट, मतलब इनपुट की कमांड और आउटपुट की कमांड कैसी आ रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपने कीबोर्ड में नम लॉक का बटन या स्क्रॉल लॉक का बटन दबाया तो वहाँ लाइट जल जाती है, लाइट ऐसे ही जल जाती है, वो भी तो कहना कभी टेक्निक होगी ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम, तो कंट्रोल कमांड तो ये होगा कि जिसके अंदर आपके कौन से पेरिफेरल को क्या करना है ये बताने का जरिया होगा। स्टेटस कमांड जो होगा वो बेसिकली क्या होगा कि कंडीशन टेस्ट करता है इंटरफेस की और पेरिफेरल की कि भाई अभी फिलहाल क्या तुम्हारा स्टेटस है। डेटा आउटपुट जो है वो आउटपुट देने के लिए काम आता है, फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा ऑनटू द फ्रॉम द बस टू वन ऑफ इट्स रजिस्टर, मतलब बस से डेटा क्या गया रजिस्टर पे और रजिस्टर से फिर वो बाहर हुआ है। और इनपुट क्या होता है, इनपुट जस्ट इसका अपोजिट होता है कि डेटा रजिस्टर से बस पे आया, मतलब बस से रजिस्टर पे जाना इज आउटपुट और रजिस्टर से बस पे आना, क्योंकि बस पे आया तो बस पे आने का मतलब क्या है, अपने बड़े भाई सीपीयू के पास जाना, क्योंकि बस ही एक रास्ता है वहां पे जाने का। तो और अगर मान लो उधर से डेटा इधर आया बस पे और उधर जाना है, तो अगर बस से आप उधर जा रहे हो इसका मतलब बाहर निकलो, चलो निकलो, आउटपुट। अब यहाँ पे ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें, ये आईओ बस और इनपुट आउटपुट को कनेक्शन को शो करता है, कनेक्शन ऑफ आईओ बस है ये पूरा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और होती है कि जो इंटरफेस होते हैं वो एक आइटम होते हैं जिसके अंदर आइटम ऑफ डेटा बोलते हैं इसको, वन आइटम ऑफ डेटा बोलते हैं किसी पेरिफेरल का, या और वो प्लेस किया जाता है बफर रजिस्टर के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरफेस को आप बिल्कुल ऐसा दे दो कि भाई आपको बीच में हम लेके आए तो आप पेरिफेरल को पूरा पूरा कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड पे कीज प्रेस कर रहा हूँ जल्दी 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 जल्दी, और वहीं से मेरा माउस किसी ने पकड़ के उस पर क्लिक कर दिया और उसी टाइम प्रिंट भी दे दिया और बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे ये सारे एक साथ काम, खैर एंड यूजर की नज़र से देखोगे तो बहुत जल्दी होंगे, लेकिन कई बार क्या होता था पुराने सिस्टमों के अंदर हैंग कर जाता था सिस्टम, मतलब क्या था कि उनका बफर भर जाता था। भाई बफर भर गया तो वो कोई नई आयो की रिक्वेस्ट नहीं लेगा, अगर बफर खाली है तो वो आयो की रिक्वेस्ट लेता जाएगा और आपके ऑपरेशन परफॉर्म कराता जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको आयो से कम्युनिकेट करना है, तो प्रोसेसर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है मेमोरी यूनिट से। और जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आयो बस हुआ या मेमोरी बस हुआ, वो कंटेंट क्या करती है, डेटा को, एड्रेस को और रीड राइट कंट्रोल्स को। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको अगर ऐसा कम्युनिकेशन करवाना है मेमोरी और आईओ के बीच में, तो तीन तरह के तरीके होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करा सकते हो। पहला तरीका होता है कि आप दो बसेस का इस्तेमाल करिए, एक सेपरेट चलाइए मेमोरी के लिए और एक चलाइए काहे के लिए, आईओ के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बस चलाइए कॉमन बस मेमोरी के लिए भी और आईओ के लिए भी, और एक अलग से चलाइए काहे के लिए, कंट्रोल लाइन के लिए। कंट्रोल लाइन दोनों के सेपरेट रहेंगे लेकिन बस उनकी दोनों की सेम रहेगी। वहीं एक और ये रहेगा तरीका
कॉमन बस है मेमोरी की भी और आयो की भी, मतलब सिंगल बस से काम हो रहा है, वन एक कॉमन बस है और वही कॉमन उसकी कंट्रोल लाइंस भी है, मतलब दोनों की कंट्रोल लाइंस भी सेम है। भाई देखिए पहला केस क्या है कि दोनों की अलग अलग बसेस, भाई तुम्हारी मेमोरी तुम्हारा आयो पकड़ो जाओ और तुम्हारा अपने अपने साथ रख लो, तुम्हारा क्या क्या कंट्रोल लाइंस रख लो। दूसरा तरीका क्या है कि चलो एक बस ले लेते हैं, उसके अंदर मेमोरी और आयो रखेंगे लेकिन उनकी कंट्रोल लाइंस जो होंगी वो अलग अलग जाएंगी, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि कॉमन बस रख लेते हैं, उसमें मेमोरी आयो दोनों रख लेते हैं और तुम दोनों के दो कंट्रोल लाइंस नहीं होंगे, अब सिंगल कंट्रोल लाइन पे तुमको काम करना है। तो ये तीन तरह के तरीके हैं जिससे आप आयो के इंटरफेस को कनेक्ट कर सकते हो, और इसके आगे अब हम देखेंगे अगले टॉपिक के अंदर क्या आता है। अगले टॉपिक में आएगा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल आयो और मेमोरी मैप आयो, देखते हैं। थैंक यू सो मच।